i'm your science teacher. hope you all are fine. now we will start our new chapter, chapter 13, our environment. so students, in this chapter, we shall learn about the environment. how does we should uh, clean our environment? how can we protect our environment from being polluted? and what are the causes that uh, should pollute our environment? all these topics we will discuss in our chapter. now, students, let's begin the chapter. chapter 13, our environment.

थ्रो इट आउट ऑफ द व्हीकल आप व्हीकल से उसे थ्रो कर देते हो सेकेंड पुट इट इन अ बैग और एनी कंटेनर टू थ्रो इट लेटर आप उसे बैग या कंटेनर में रख लेते हो बाद में डस्टबिन में थ्रो करने के लिए लिव इट इन द व्हीकल फॉर सम वन एल्स टू थ्रो आप उसे व्हीकल में ही छोड़ देते हो कि कोई और उसे थ्रो कर देगा तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन पुट इट इन अ बैग और एनी अदर कंटेनर थ्रो इट अ लेटर कि हम उसे अपने कंटेनर या बैग में रख सकते हैं और हम डस्टबिन में उसे थ्रो करेंगे Now, students, let's read the chapter. Our environment consists of air, soil, water, plants, animals, the sun, and all other natural things around us, they are our resources. बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है एयर हवा होती है सॉइल मिट्टी वाटर पानी प्लांट्स पेड़ पौधे एनिमल्स जानवर भी होते हैं और सन ये सारे हमारे नेचुरल थिंग्स होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं प्रकृति से मिले हैं और ये सारे गॉड गिफ्टेड होते हैं ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं वी नीड दैम टू लिव बच्चों हमें इनकी ज़रूरत होती है लिव यानी जिंदा रहने के लिए वेन वी मिस यूज़ दैम द इन्वायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड एंड मेक अख अगर हम इनका मिस यूज करते हैं Uh, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो जाता है गंदा हो जाता है और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है हम सिक हो जाते हैं नाउ स्टूडेंट्स लेट्स एन फैक्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून फिफ्थ एवरी ईयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपको पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बच्चों हर साल फिफ्थ जून को मनाया जाता है नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक वॉट पॉल्यूट्स अवर इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट गंदा कैसे हो रहा है अ क्लीन एनवायरमेंट इज वेरी नेसेसरी टू लिव अ पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ हाउ एवर बैड एंड सेल्फिश एक्टिविटीज ऑफ द्यूमन बींग्स वो एक साफ इन्वायरमेंट यानी साफ प्रकृति साफ पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जहाँ पे हम पीसफुल लाइफ रह सकते हैं हमारी हेल्दी लाइफ हो सकती है जहाँ पे हम बीमार नहीं पड़ते जो जर्म्स फ्री बैक्टीरिया फ्री होती है हमारे इन्वायरमेंट डे बाई डे डर्टी होता जा रहा है क्यों हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से हम बैड एक्टिविटीज़ करते हैं सेल्फिश एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी ग्रीडीनेस के लिए इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं देयर आर आर फैक्टर्स डेट कॉज हार्म हार्मू आर इन्वायरमेंट देम आर बच्चों कुछ आपको फैक्टर्स शो कर रखे इमेजेस में जो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है इन एक्टिविटीज़ की वजह से इन द फर्स्ट इमेज कटिंग द ट्रीज गार्बेज एट दी ओपन प्लेस यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स एंड लास्ट डंपिंग ऑफ गार्बेज एट दी वाटर बॉडीज ये सारे हमारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट कटिंग ऑफ ट्रीज अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हमारी एयर इम्प्योर रहेगी क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं एयर को क्लीन करते हैं मिस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ़ पोलीथीन बैग्स पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करते हैं जिसे रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है और जो हमारे लैंड को पॉल्यूट करते हैं डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज जो गंदा पानी होता है वो सारा हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ बच्चों व्हीकल से इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से धुआं निकलता है जिसकी वजह से हमारी एयर इम्प्योर होती है ओपन डंपिंग ऑफ गार्बेज हम खुले में ही ओपन प्लेस में ही गार्बेज थ्रो करते हैं जिससे जर्म्स मॉस्किटोज आते हैं और हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वेज टू सेव इन्वायरमेंट अब किन तरीकों से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं देयर इज़ अ ग्रेट नीड टू प्रोटेक्ट एंड सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडिंग सम थिंग्स यू कैन डू टू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सेविंग द इन्वायरमेंट बच्चों अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें बचाएँ और उसे सेफ रखें डिग्रेडिंग यानी खत्म होने से सो so, स्टूडेंट्स हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए नाउ यू कैन फॉलो दीज पॉइंट फर्स्ट पॉइंट प्लांट ट्रीज एंड केयर फॉर देम आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और उनकी देखभाल रखनी चाहिए डू नॉट स्टेप ऑन प्लांट्स और अप्रूट देम कभी भी हमें प्लांट्स जो छोटे सैपलिंग्स होते हैं ना उन्हें अप्रूट नहीं करना उखाड़ना नहीं है या प्लांट्स के ऊपर पैर नहीं रखने रो रैपर्स पॉली बैग्स कार्टन एक्सेट्राइन की डस्टबिन जो भी आपका गार्बेज होता है उसे आप डस्टबिन में ही थ्रो करेंगे यूज जूट क्लोथ और पेपर बैग्स एंड एवॉय यूजिंग पॉलीथिन बैग्स बचो हमें जूट के बैग्स क्लोथ बैग्स या पेपर बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए इंस्टिड ऑफ पॉलीथीन बैग्स डो नॉट वेस्ट वाटर कभी भी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए यूज लेफ्ट ओवर वाटर टू वाटर दी प्लांट्स जो भी आपका पानी बच जाता है आप उसे प्लांट्स को वाटर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डो नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे डो नॉट टीयर पेपर्स फॉर फन कभी भी हम पेपर को टीयर नहीं करेंगे फाड़ेंगे नहीं अपने खेलने के लिए पुट वाटर पॉट्स फॉर बर्ड्स ऑन योर टेरेस बच्चों आप चिड़ियों के लिए टेरेस पे पानी रख सकते हैं डू नॉट बर्न गारबेज कभी भी हमें कूड़े को जलाना नहीं चाहिए इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं

इन्वायरमेंट बच्चों हमारी हर एक वो चीज़ इन्वायरमेंट होती है जो हमारे आसपास की है चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो नेक्स्ट इज सॉयल मींस द लूज सरफेस मटेरियल डेट कवर्स मोस्ट लैंड हमारे लूज सरफेस मटेरियल जो मिट्टी से कवर रहता है उसे हम सॉइल कहते हैं नेक्स्ट इज गारबेज मीन्स रबिश और वेस्ट स्पेशली डोमेस्टिक रिफ्यूज जो हमारे घर का वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं गारबेज यानी कूड़ा नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ अर्चल फर्स्ट पॉइंट आर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर वाटर सॉयल प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल थिंग्स आती हैं जैसे कि एयर वाटर सॉयल प्लांट्स और एनिमल्स इसमें हमारे कुछ नॉन नेचुरल थिंग्स भी आती है जिसे हम क्या कहते हैं मैन मीडिया आर्टिफिशियल नेक्स्ट कटिंग ऑफ ट्रीज शुलस्ट्रिक्टेड हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए द यूज़ ऑफ पॉलिथीन बैग्स शुल बी बैंड बिल्कुल पॉलीथीन बैग्स बैंड हो जानी चाहिए क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा डिग्रेड करते हैं वी शुल नॉट वेस्ट वाटर कभी भी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना वी शुल्ड यूज लेफ्ट ओवर वाटर टू वॉटर दी प्लांट्स जो भी आपका पानी बच जाता है वाटर बॉटल में आप उस पानी का इस्तेमाल प्लांट्स को वाटर करने के लिए कर सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स इट्स एक्सरसाइज टाइम लिट्स टू एक्सरसाइज ए टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन नाउ यू कैन रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द राइट वन फर्स्ट वट मेक्स आर इन्वायरमेंट बच्चों हमारा इन्वायरमेंट किससे मिल के बना है

नेक्स्ट वट पॉल्यूट्स एयर बच्चों एयर पॉल्यूट कैसे होती है प्लांटिंग ट्रीज या कटिंग ऑफ ट्रीज बच्चों नन ऑफ दीज बच्चे इसमें हम रखेंगे नन ऑफ दीज क्योंकि हमारा जो पॉल्यूट होती है एयर वो तो होती है स्मोक के आमिशन की वजह से फैक्ट्रीज व्हीकल्स तो इसमें हम सी आंसर रखेंगे सी नन ऑफ दीज नेक्स्ट लेट्स टू एक्सरसाइज बी फिल इन ब्लैंक्स नाउ यू कैन फिल अप ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट वर्ड फर्स्ट डैश इज द नेचुरल वर्ल्ड विच सराउंड अर्थ बच्चों हमारा इन्वायरमेंट क्या नेचुरल वर्ल्ड है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है इन्वायरमेंट इज गेटिंग डर्टी ड्यू टू सम डैश एंड डैश एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन ड्यू टू सम एंड बैड एक्टिविटीज ओपन डैश ऑफ गार्बेज पॉल्यूट दम्पिंग ऑफ गार्बेज एंड अवॉइड यूजिंग पॉलिथीन बैग्स हमें कौन से बैग्स यूज करने चाहिए जूट क्लोथ और पेपर बैग्स नाउ स्टूडेंट्स लेट्स यू एक्स आईज सी राइट

टू द इन्वायरमेंट बच्चों जो धुआं फैक्ट्री से व्हीकल से निकलता है उसका हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी कॉज नहीं होता ये तो गलत है इट इज़ फॉल्स नेक्स्ट टू नॉट पुट वाटर पॉट्स फॉर बर्ड्स ऑन योर टेरेस क्या हमें अपने टैरस पे बर्ड्स के लिए पानी नहीं रखना चाहिए ये तो गलत है इट इज़ फॉल्स नाउ स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योर सेल्फ आई होप यू ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर थैंक यू एंड नाई